एपिसोड शुरू होता है और हमें मिस पैंग को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि नहीं नहीं इन्हें मत छुओ, नहीं प्लीज़, हाँ नहीं इन्हें मत छुओ। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ इस तरह मत छुओ, प्लीज़ ये ट्रिक इस्तेमाल मत करो। वार्डन कहता है कि क्या तुम्हें अपने पैरों की मसाज करवानी है कि नहीं करवानी, इस तरह आवाज़ निकालना बंद करो, मैंने तो बस तुम्हारे पैर ही पकड़ रखे हैं, उनकी मसाज कर रहा हूँ, इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ मत निकालो। फिर वो अपने मन में कहता है कि इस तरह तो चैंग भी कभी नहीं करती जिस तरह ये कर रही है, क्या ये लड़की बावड़ी हो गई। अभी मिस फैंग कहती है कि क्योंकि लेकिन लेकिन तुम मेरे पैरों को टच कर रहे हो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पैरों को टच कर रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बरेसमेंट फील हो रहा है। उसके बाद वार्डन कहता है क्या सिर्फ इसी रीज़न के कारण, अरे तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम्हारे पैर को बहुत ज़्यादा इंजरी लगी हुई है और तुम अपने पैरों को मत हिलाना समझिए जब तक मैं ठीक कर रहा हूँ, और हाथ ठीक करने के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करना हो। वॉल्टन मिस फैंग को देखता है, उनके पैरों को देखता है, वो कहता है पर लेकिन लेकिन फिर भी वास्तव में यार ये पैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, ये पैर मज़े लेने के लिए एकदम परफेक्ट है यार, एकदम बढ़िया फ्रेम है। नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने ट्रक को बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। उसके बाद मिस फैंग अपने मन में कहती है कि एक मिनट इस बंदे का चेहरा देखे तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे मजे ले रहा है, अभी मेरा जी कर रहा है कि मैं इसको लात मार के बेड से नीचे गिरा दूँ। फिर तभी वार्डन कहता है कि ये मेडिसिन से तुम्हारे पैरों की दर्द को एकदम चेंज कर देगी, तुम्हारे पैरों को ठीक ही कर देगी, और हाँ याद रखना वाटर को अपने पैरों में मत डालना, और हाँ जितना उसके अपने पैरों को मूव ऑन। फिर उसके बाद वार्डन कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर धोने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं वैसे भी बहुत अच्छा मसाजर हूँ, मैं सच में कमाल का हूँ। और ये सुनने बाद मिस फैंग उसके ऊपर एकदम जोरदार एक लात मारती है। वार्डन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो लात मारती है जिसके कारण मिस फैंग का पैर दुखने लगता है। मिस फैंग कहती है कि आउच आउच मेरा पैर दुख रहा है। बाद में वार्डन कहता है कि हे मैंने तुमसे कहा था ना इसे हिलाना मत, क्या तुम्हें अपने पैर को जल्द से जल्द ठीक नहीं करना है तो तुम मुझे ऐसे ही बोल सकती हो। उसके बाद वो कहती है कि क्या पर लेकिन एक हफ्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, तुम एक चमत्कारी डॉक्टर हो, तुम एक जीनियस हो, तुम सच में कमाल के डॉक्टर हो, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे पैर को जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में ठीक नहीं कर सकते। फिर वो उठने कहता है इतनी जल्दबाजी मत करो यार, तुमने वैसे ये सब कुछ कहाँ से सीखा है, कौन है बंदा जो तुम्हें ये सब सिखाता है। उसके बाद मिस फैंग कहती है वो तुम हो, तुम्हें से तो मैंने ये सब कुछ सीखा है। बाद उसके बाद वार्डन कहता है कि नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसमें एक दो हफ्ता नहीं लगेगा, इसमें मात्र सिर्फ 3 दिन लगेंगे, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। फिर मिस फैंग कहती है कि सच में तुम तो कमाल के हो, तुम बहुत अच्छे मजाक करते हो, आज के बाद कभी ऐसा मजाक मत करना। मिस फैंग वार्डन के लिपट जाती है, वो कहती है मैं जानती थी तुम मुझसे झूठ ही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे लगा ही था तुम इस तरह से कभी भी मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोलते, पर मैं कुछ जगह से डर ही गई थी, इन दिनों का लगभग मैं इस हॉस्पिटल में रह रह के पागल हो ही गई थी, अब मैं इंतजार नहीं कर पा रही कि मैं कब अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि लगता है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अंदर खुश है, चलो धीरे धीरे वो अपनी वापस नॉर्मल फॉर्म में आ रही है, मैं खुश हूँ। दिखाया जाता है वो होते हैं मिस फैंग के फादर यानी डोंगजेन शहर के लीडर, वो आते ही कहते हैं कि मैं एक पिता होने के नाते अपनी बेटी के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, और आज मैं देख भी रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद मिस फैंग कहती है कि डैड फाइनली आखिरकार आप यहाँ आए गए, आप वैसे यहाँ क्या करने आए हैं। और ये सुनने बाद वोल्टन अपने मन में कहता है वाह ये तो डोंगजेन शहर की लीडर है, मुझे कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये यहाँ आएंगे, वाह मैं अभी हूबहू इन्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। वार्डन खड़ा होता है, बाद में मिस फैंग के डैड कहते हैं कि बेटा क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे, क्या तुम मेरी इनसे जान पहचान नहीं करवाओगी। बाद मिस फैंग कहती है कि डैड डैड आप मुद्दे से भटक रहे हैं, नहीं नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये एक डॉक्टर है, ये मेरा यहाँ से इलाज कर रहा है, आप प्लीज़ बाकरों जैसी बातें मत कीजिए। उसके बाद मिस फैंग के डैड कहते हैं क्या एक डॉक्टर, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, यानी एक डॉक्टर होना बहुत अच्छी बात है, अगर मैं तुमसे इसकी शादी करा दूँ तो फिर तब तो तुम्हें कोई भी छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, घर पर हो जाएगा। फिर मिस फैंग कहती है कि नहीं डैड ये इतना कोई अच्छा खास रिश्ता नहीं बनेगा हमारे बीच में प्लीज डैड। भी मिस फैंग के फादर कहते हैं कि मेरी बेटी बचपन से ऐसी है, वो थोड़ी शर्मीली टाइप की है, वो थोड़ी गुस्से की भी है, उसका स्वभाव ऐसा ही है। खैर तुम मुझे अपना परिचय दो, अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो। फिर वोल्टन कहता है कि सेक्रेटरी वांग मेरा नाम है ये वोल्टन, मैं वही मिराकुल डॉक्टर हूँ जिसकी चर्चा अभी पूरी दुनिया में है। फिर बोलते ये वोल्टन कहीं तुम वही तो नहीं हो ना जिसने जिसने ब्यूटी पिल बनाई थी जिसकी चर्चा अभी पूरी दुनिया में है। कहता है एक मिनट इसका क्या मतलब है, क्या ये मेरा बहिष्कार कर रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या डोंगजेन शहर का लीडर इसने तो मुझसे हाथ भी मिलाया, क्या ये डोंगजेन शहर का लीडर क्या किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, इसने तो मुझसे अपना हाथ भी नहीं मिलवाया, आखिरकार इसका प्लान क्या है। तभी मिस फैंग कहती है कि डैड क्या हुआ आप आखिरकार रुक क्यों गए। फिर तभी मिस फैंग के डैड कहते हैं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों का कोई काम नहीं, बेटा तुम शांत रहो थोड़ी देर के लिए।
अभी मिस फैंक के फादर कहते हैं कि मिस्टर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी फैंक की दूसरी बार जान बचाने के लिए। अगर अगर फुर्सत में कभी टाइम लेगा तो प्लीज़ हम दोनों साथ में बैठ के डिनर जरूर करेंगे। वहां से जाने लगता है, वो कहता है सेक्रेटरी वांग इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप मुझ पर ऐसा एहसान मत कीजिए, आपके हाथों में बहुत सारे काम होंगे इसलिए मेरे में अभी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको इस काम को रोक करने से रोकूँ, इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपनी बेटी के साथ बैठिए थोड़ी देर बातचीत कीजिए। फैंक कहती है कि डैडी आपने क्या किया, आपने तो उसे शर्मिंदा कर दिया, अब आपने ऐसा क्यों किया। फिर तभी मिस फैंक के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें उसकी परवाह हो रही है, फिक्र मत करो मैं उसे ज़्यादा नाराज़ करने का मूड नहीं था। उसके बाद मिस फैंक कहती है कि नहीं नहीं इस ऐसा कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो बस मेरा एक फ्रेंड है, अब वो बस हम दोनों के बीच बस एक फ्रेंड फ्रेंड वो कहते हैं फैंग मैं काश काश मैं ये वोल्टन के बारे में थोड़ा और भी कुछ जान पाता, जब मैंने उसके बारे में सुना था कि कंट्री अच में उसने किस प्रकार का प्रदर्शन दिया, उसने हमारे देश को जिता दिया था और मैं उसके उसके साथ मिलना चाहता था, जब कंट्री अच की यात्रा पर मैं गया था तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से चला गया था, मैं उसके साथ बैठ के दो तीन बातें शातें करना चाहता था पर वहाँ से चला गया, मैंने उसके लिए एक प्रोग्राम भी आयोजित किया था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, रीज़न हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार।